द समराइज बैलेंस शीट ऑफ श्रीनाथ या शलाका लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 इज एज फॉलोज. शेयर कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर और ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 13% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स. असेट की तरफ आते हैं, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट असेट दिया गया है. यस सर. Ascertain the maximum number of equity shares of the company can buy back at the maximum possible amount या price under the law. Underline करो. Maximum possible price. What does it mean? इसके पहले जितने भी हमने sums देखे उसमें आपको number of shares दिया था. हाँ sir. नहीं. Offer price. But offer price जरूर दिया था. इस समय बोला ना कितने share हम buy back कर सकते, वो तो पता करना ही है. बट कौन से प्राइस पे कर सकते हैं वो भी बताओ. यानी इन दैट, इन सिंपल केस हमारे यहाँ पर कंडीशनल टेबल तो बनेगा ही. उस कंडीशनल टेबल में पहला स्टेप क्या होता है? सोर्सेस. सेकेंड स्टेप 25% ऑफ ओन फंड. थर्ड स्टेप 25% मिनिमम ओन फंड. ये तीन स्टेप तक तो आपको जाना ही है. ऑफर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है. इन दैट केस थर्ड स्टेप के बाद ही लिस्ट ऑफ द अबव लगाना है. ठीक है, ओके. ये तो करना है पॉसिबल. यानी ऑफर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तीन स्टेप के बाद ही लिस्ट ऑफ द अबव आ जाएगा. ओके. अज्यूमिंग द बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट, रिकॉर्ड द जॉइंट इन द बुक्स ऑफ श्रीनाथ या शलाका लिमिटेड. ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. Would appear in the books of notes to account forming the part of the balance sheet of Shalaka as on 31st March. Do not prepare balance sheet. Any thing? ठीक है. कुछ बनाने बोला नहीं है. जॉइंट्री वगैरह तो करना ही है. अब ध्यान दो. सबसे पहले कंडीशनल टेबल बनाना है. पूरी एनर्जी कंडीशनल टेबल की तरफ डालते हैं. कंडीशनल टेबल बना दिया यानी 15 में से 7 तो मिल ही गया गारंटी. हाँ है ना? हाँ सर. नहीं सर, 7 नहीं मिला. 5, 4, 7 ऐसे तो मिलते, 7 तो मिलता ही है. 4 मार्क जॉइंट एंट्री पे मिलेगा तो 7, 4, 11 और 4 मार्क आपको नोट्स टू अकाउंट्स पे मिलेगा तो हो गया तुम्हारे 15 मार्क. क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश करो व्हाट इज द कंडीशनल टेबल टॉक्स अबाउट. सबसे पहला कंडीशनल टेबल का फर्स्ट आइटम आता है सोर्सेस. चेक करो, इस समय आपके सिर्फ 2 ही सोर्सेज है. एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है. सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 ही आपको यहां पर क्या दिया सर? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया? देखो 4 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाख. अगर आप ऐड करोगे तो 24 लाख आपका हो गया सोर्सेस. क्लियर है? ठीक है, पक्का? चलेगा. सोर्सेज, सरप्लस, रिजर्व. सब सेकेंड स्टेप आपका आता है 25% ऑफ ओन फंड. 25% ऑफ ओन फंड. तो सबसे पहला उसमें आएगा शेयर कैपिटल. चेक कर पाए तेरे पास शेयर कैपिटल के नाम पे सिर्फ इक्विटी है. इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 60 लाख. प्रेफरेंस नहीं दिया है तो सीधा लोगे सोर्सेस. सोर्सेस है 24 लाख. यस और नो? टेक द टोटल. ये आपका क्या होगा? टोटल ओन फंड. ये आपका क्या होगा? कौन सा फंड? टोटल ओन फंड. आपको सिर्फ टोटल ओन फंड का कितना लेना है? 25%. 20 दिक्कत है क्या? थर्ड स्टेप आता है मिनिमम ओन फंड. थर्ड स्टेप आता है मिनिमम ओन फंड. ओन फंड. अब मेरे को पता मिनिमम ओन फंड में पहले आता है ओन फंड. तो सर अपना ओन फंड कितना है? 84 लाख. उस 84 लाख में 50% क्या माइनस करना है? डेप्ट. चेक कर डेप्ट फंड में दिया है क्या? डिबेंचर दिया है. दिख रहा है? 28 लाख. तो सिर्फ 28 लाख का 50% लेना है.
नहीं आएगा वो करंट लायबिलिटी बेटा इसलिए नहीं आएगा। तो कितना आएगा 14 लाख माइनस कर दे 70 लाख। क्लियर है? क्या आपके क्वेश्चन में, क्या आपके क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है? नहीं दिया है, इसीलिए यहां पर ही हमारा गेम खत्म। यहां पे लिखोगे लिस्ट ऑफ द अबव। सर लिस्ट ऑफ द अबव क्या है? 21 लाख। यस और नो? डिवाइडेड बाय 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स। समझा? चेक कर बेटा आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 6 लाख शेयर्स है, बट आपको इसका सिर्फ कितना लेना है? 25% लेना है। 1 लाख तो 21 लाख में डिवाइडेड बाय 1,50,000 कर तो यहां पर आपको मिलेगा ऑफर प्राइस। बोलो ना माही बोलो ना। 14 रुपया, दैट्स इट, हो गया तेरा ऑफर प्राइस। क्लियर? उल्टा ऐसा लगता है ऑफर प्राइस नहीं दिया तो ही ज्यादा अच्छा है, छोटा हो गया सब। ऐसा नहीं है, करना वही है। खाली मैंने टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अपना खुद का मेथड 3 स्टेप करने हैं। चौथे बने का लिस्ट ऑफ दिया अबाउट माई डिवाइडेड बाय 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो डिवाइड करके सीधा आ गया आपका ऑफर प्राइस। डिफिकल्टी है क्या? ऑफर प्राइस आ गया तो इसका मतलब इस ऑफर प्राइस में फेस वैल्यू कितना बेटा, पहले ये बता दे। 10 रुपीज तेरा क्या है? फेस वैल्यू। 4 रुपया तेरा क्या है? प्रीमियम। ये तो पता होना चाहिए, है ना? नहीं पता तो भाई पाप हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया, 4 रुपया प्रीमियम। क्लियर है क्या? सर अब मेरे को बता कितनी एंट्री आएगी टोटल? 4 एंट्री आएगी। पहला प्रोविजन, फिर CRR क्रिएशन और लास्ट में पेड ऑफ। तो पहला अपन क्या करेंगे, पहले मंगाया शेयर, मंगाया तो पहले शेयर मंगाया की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? यस और नो? इसमें अपने को नरेशन नरेशन लिखने बोला है क्या? देखो विदाउट नरेशन ऐसा तो बोला नहीं, तो नरेशन लिखना। बीइंग 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 प्रोविजन कहा बोला? विदाउट नरेशन बोला है? अच्छा विदाउट नरेशन बोला है, डायरेक्टली लिख दो। अगर लिखना है तो क्या लिखो? बीइंग प्रोविजन फॉर बायबैक मेड, प्रोविजन फॉर इसमें लिख देता हूं, नहीं तो बीइंग प्रोविजन फॉर बायबैक मेड यानी हमने बायबैक का प्रोविजन किया। बेटा नंबर ऑफ शेयर कितना? 1,50,000 इंटू 10 15 लाख। 1,50,000 इंटू 4 6 लाख। टोटल हो गया 21 लाख। दिक्कत है क्या? 10 रुपया तेरा क्या बेटा? 4 रुपया प्रीमियम। क्लियर है ना बेटा? ध्यान से देखो अब क्या करोगे। पहले 15 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना है। चेक करो आपके पास 15 लाख रुपया है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले प्रीमियम हाथ नहीं लगाने का, पहले किसको हाथ लगाने का? प्रॉफिट एंड लॉस। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 20 लाख है, उसमें से सिर्फ अपने को किसकी जरूरत है? दे सकते है? उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ CRR। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? कितने की जरूरत है अपने को? खाली 15 लाख की। यस और नो? जितना रिडम्पशन उतने की एंट्री।
बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बात समझ में आ रही है? उसके बाद किसका एंट्री मारेगा बेटा? 6 लाख प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम से चेक करते रहे प्रीमियम में पैसा है क्या। हाँ 40 है, अपने को 40 से मतलब नहीं, अपने को 6 लाख से मतलब है। तो बेटा प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, समझा? बायबैक समझ में आया? तो यहां पर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अपने को कितने की जरूरत है? 6 लाख डेबिट, 6 लाख दिक्कत। बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक, एक दिन मेरे को किसी ने पूछा सर ये प्रेम कौन है, मतलब बेटा वही है जो तू करता है मुझसे, पर प्रेम नहीं प्रीमियम है, वो भावनाओं की समझो, प्रेम नहीं हो प्रीमियम है। बोल क्या हुआ? हो 4 रुपया नहीं 6 लाख। अरे बेटा 40 लाख में से सिर्फ 6 लाख ही चाहिए तेरे को। मम्मी ने तिजोरी की चाबी दी, बेटा ये ले चाबी, जितना चाहिए ले ले, तो जाके तिजोरी खोलने का, पूरा नहीं लेने का, जितना चाहिए उतना हाथ लगाने का। 6 लाख की जरूरत है तो 6 लाख ही निकाला। ए 4 लाख दिया है, किधर बोल रहा है? ओ 4 लाख दिया है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, ओ माय गॉड सर 4 लाख दिया, अपने को तो 6 लाख चाहिए था, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, 2 लाख कम पड़ रहा है, जिसका कोई नहीं उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, मैंने कहा 40 लाख पकड़ लिया, मुझसे मिस्टेक हो गई, एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, तो 4 लाख मेरा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम, बट चाहिए कितना था? 6 लाख और चाहिए ना, कहाँ जाने का? यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख हो गया ना, अभी 6 लाख। अब टेंशन नहीं, आगे बढ़े, सब हो गया, अभी पे ऑफ कर सकते हैं क्या? विवेक वेरी गुड, तूने आज मुझे पाप करने से बचा लिया, नहीं तो अकाउंट देता मुझे माफ नहीं करते। या तो सब एक ही इंसान पढ़ रहा है, चल मेरा तो समझ में आता, सुबह से लेकर शाम तो पढ़ा रहा, शायद दिमाग थक गया होगा, बट बाकी तो खाना पीना नाश्ता वास्ता करके आए तो भी कोई बात नहीं, नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं इधर खिलाएगा भी नहीं, नहीं नहीं मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा जरूर, हाँ इस महीने के 31 तारीख को। अरे सर बेटा कैलेंडर में 31 अक्टूबर होता है, हाँ क्यों? मत ना, ठीक है कब ले लेना भैया, ले लेना, शेयर होल्डर पैसा लेके जा रहा, तुम मुझसे पार्टी लेके जाना, कोई बात नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ओके चलो नोट्स टू अकाउंट्स, अब पहला नोट्स टू अकाउंट्स किसका बनाने बोला? शेयर कैपिटल का। आपके पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 6 लाख, 60 लाख, 60 लाख था ना, उसमें से 15 लाख का शेयर कैपिटल चला गया बेटा, आया ना, तो बचा कितना? 45 लाख। अरे कितना बचा? डिवाइडेड बाय 10 कर, 4,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 45 लाख। दिक्कत है क्या?
4,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 अपने पास कितने रिजर्व थे? दो कौन कौन से? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख है। हमने सर उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया ना, एडजस्टेड 4 लाख, तो बचा क्या? नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हाउ मच? 20 लाख था, हमने कितना एडजस्ट किया? 15 लाख और अभी किया, तो टोटल 17 लाख, माइनस 3 लाख, तो 3 लाख ही बचा। और एक और रिजर्व क्रिएट हो गया अपना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हाउ मच? 15 लाख, तो अगर टोटल करो तो 18 लाख हो गया अपना रिजर्व। क्लियर है? कैश बैंक वगैरह कुछ भी बनाने बोला नहीं है, डिफिकल्टी है क्या सब में? एकदम मस्का।